अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रीकाल, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दूर तक जाती सुनसान सड़क और गहरा अंधेरा हारिस की परेशानी बढ़ा रहा था। एक तो रात, ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपने चारों तरफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो भी क्या करता। गरीबी ने उसे यहाँ शहर आने पर मजबूर किया था। गांव में ऐसा कोई ढंग का काम नहीं था जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सकता। उसके वालिद उसके बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। वही घर का बड़ा था। माँ ने समझाया था उसे शहर आने से पहले, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान हो गया था। चल बेटा हारिस, ऊपर वाला मालिक है, जब यहाँ आ ही गया है तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की तरफ चल रहा था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिरा था। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देख भाल कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा, उसके पीछे से आती किसी मर्दाना आवाज पर वो डर सा गया और पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान के हद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला, डरो नहीं, मैं इधर का रहने वाला हूँ। वो बूढ़ा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। इस शहर में नए मालूम हो रहे हो। जी, मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में, हारिस ज़रा संभलते हुए बोला। अच्छा, उसकी बात पर वो बूढ़ा हाँ में सर हिलाने लगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, हारिस कुछ झिझकते हुए बोला। रहने की तुम फिक्र मत करो, यही पास में ही मेरा घर है, वहाँ तुम रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी देखने लायक थी। किराया क्या होगा, हारिस ने हिचकिचाते हुए कहा। किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना, मैं और मेरी बीवी ही होते हैं घर में, हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारे रहने की प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। बूढ़े की बात पर वो बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की तरफ आकर रुक गए। घर काफ़ी पुराना था। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब सी ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा आंगन था जहाँ पर एक तख्त बिछा था। आंगन के एक तरफ छोटा सा किचन था और दूसरी तरफ छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। आंगन में लगे नीम के पेड़ पर काली बिल्ली पूरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती हुई नज़रों से हारिस को डर लग रहा था। आंगन में बनी सीढ़ियों की तरफ वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वो भी धीरे धीरे उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के ख़त्म होने पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा किचन था। ये है तुम्हारा कमरा, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं नहीं,
मैं बस सोना चाहूंगा, बहुत थकन है। हारिस बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। वो गुड नाइट कहता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हारिस कमरे का नए सिरे से जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने दो कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की तरफ खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की तरफ खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वहाँ से नज़र आने वाले कब्रिस्तान में उसकी नज़र पड़ी तो उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। सुबह उसकी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से कमरे में झांकता हुआ नजर आया। बेटे खोलो, उसने दरवाज़ा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झेंप सा गया, नाश्ता करके नीचे आ जाना बेटा। बूढ़े की बात पर वो सर हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला आया। जहां आंगन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास ही उसके वो बूढ़ा आदमी बैठा था। आ जाओ बेटा, तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली। मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम शोएब है, वो बूढ़ा बोला। अपने बारे में बताओ बेटा, वो बूढ़ी औरत बोली। मेरा नाम हारिस है, मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आंटी, इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं थैंकफुल हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में, दुआ करिएगा कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की कोशिश के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना? ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे तंग करती हो। तुम्हारा मेरा साथ तो जिंदगी भर का ही नहीं, मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा, शोएब मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़ के बोले। रात के वक्त वो किसी काम से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर आंगन में आया तो शोएब साहब की बात उसके कानों से टकराई जो वो अपनी बीवी से बोल रहे थे। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शोएब साहब बोले। जी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे, हालात भी शहर के ठीक नहीं। ऐसा करना कल चले जाना, अभी तो मैं दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। उनके इस तरह से बोलने पर वो चुपचाप ऊपर की तरफ वापस बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है, रात के 9 बज रहे हैं, कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। शाम के बाद कहीं जाओ नहीं, डाकू ना आ जाए। ऐसा लग रहा है डाकू तो ताक में बैठे हैं इनके घर की। वो जलता भुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी के आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बोर हो गया तो उठकर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोलकर खड़ा हो गया। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। बेचारे मियाँ बीवी भी गलत नहीं, अकेले होते हैं, उनका डरना भी कुछ गलत नहीं, वो सोचने लगा। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती दो लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थी हाथ हिलाने लगीं। उनकी इस हरकत पर वो घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। आंगन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पलटकर देखा तो दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए थे। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक से आंगन में लगे नीम के पेड़ पर बैठी बिल्ली गुर्राई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली बिल्ली हारिस को बुरी तरह से घूर कर देख रही थी।
हारिस घबराकर ऊपर की तरफ भागा तो पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज से वो बौखला गया, जैसे इसके इरादे को नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके पूरी तरह से हांफने लगा। उसे डर लगने लगा था। रात भर जागते गुजरी, सुबह के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन ऑफिस से वापसी पर घर आते हुए अपने पीछे आती किसी लड़की की आवाज पर वो पलट कर देखने लगा। कैसे हैं आप? वही दो लड़कियां थी रात हारिस ने जिनको खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था मगर आपने तो ऐसे डरकर खिड़की बंद की जैसे हाथ ना हिलाया हो, गोली मारी हो, दूसरी वाली शरारत से बोली। उनकी बात पर वो झेप गया। मेरा नाम साइमा है और ये मेरी दोस्त सहरिश है, हम यहीं आगे रहते हैं, वो चंचल सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब अक्सर ऑफिस से आते जाते उसकी उन दोनों से मुलाकात हो जाती थी। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था उन दोनों के कहे अनुसार वो कोचिंग से पढ़ के आ रही होती थी। हारिस को चंचल सी साइमा अच्छी लगने लगी थी और दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। वो अब घर की तरफ से भी खुश था। एक शाम साइमा ने उससे रात में मिलने को कहा। तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए बिल्ली भी वहां मौजूद है। वो बिल्ली वाली घटना सुनाने लगा जिसको सुनकर साथ खड़ी सहरिश जोर से हंसती। उसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, वो मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया। और रात जब शोएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोता बन गया। कुछ देर बाद वो नीचे झाँक कर आंगन में देखने लगा कि कोई है तो नहीं, और इत्मीनान करता हुआ वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने अपने कमरे में जा चुके थे। उसने आंगन में लगे पेड़ की तरफ पलटकर देखा तो वहाँ बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए वो दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर चला आया जहाँ साइमा उसका इंतज़ार कर रही थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को उसके साथ ना पाकर वो बोला। नहीं, वो बोल रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी, तुम जाओ, वो शरारत से आँख मार कर बोली। उसकी बात पर वो हंसकर गौर से उसे देखने लगा जो सच में बहुत हसीन थी। आओ पार्क में चलते हैं, साइमा उसको सामने बने कब्रिस्तान की तरफ ले आई। इतनी रात में कब्रिस्तान जाते हुए वो डर रहा था। डरो नहीं, इस कब्रिस्तान के बाद ही वो पार्क है। वो उसके साथ पार्क चला आया। वो पहली बार इस पार्क में आया था। साइमा उसे अपने बारे में बताने लगी कि वो और सहरिश दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से पढ़ाई के लिए यहाँ आई हैं। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हारिस की नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी जो 2 बजा रही थी। उफ, इतनी देर हो गई, वो घबरा के खड़ा हो गया। हाँ चलो, सहरिश भी परेशान हो रही होगी। साइमा भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा कोरकन घूरती नजरों से हारिस को देखने लगा। उसे यूं देखता देखकर हारिस गुस्से से उसे घूरते हुए साइमा को अलविदा कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र पेड़ पर बैठी बिल्ली पर पड़ी जो उसको ही घूर रही थी। आ गए तुम, मना भी किया है इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं, पर तुम सुनते नहीं हो। उफ, आंटी जाग रही हैं, वो सर पकड़ के रह गया। चलो अब आ गए हो तो खाना खा लो, तुमने रात खाया भी नहीं था, तख्त पर रखा हुआ है मैंने खाना। किचन से सईदा आंटी की आवाज़ पर हारिस जी भरकर शर्मिंदा होते हुए तख्त पर रखे खाने की ट्रे की तरफ बढ़ा और वहीं बैठकर खाने लगा। उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो किचन की तरफ बढ़ गया। सॉरी आंटी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और खाना बहुत ही मज़े का था। वर्ड उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। वो डरी नज़रों से आंटी के कमरे की तरफ देखने लगा। वो तो बेड पर सो रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो घबरा कर ऊपर चला गया।
दूसरे दिन छुट्टी थी, वो भी नीचे चला आया। अंकल आंटी आंगन में तख्त पर बैठे थे, वो उनके पास चला आया। आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए, वो उनसे पूछने लगा। 50 साल हो गए, मैं ब्याह कर इसी घर में आई थी, औलाद के लिए बड़ी दुआएं किया करती लेकिन वो पूरी नहीं हुई। मेरे तो यही बच्चे हैं, वो पेड़ के पास बैठी बिल्लियों की तरफ मोहब्बत से देखते हुए बोली। आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं क्या, वो सवाल करने लगा। हाँ, वो छोटा सा जवाब देकर चुप हो गई। तो वो पेड़ के पास बैठी आराम करती बिल्लियों की तरफ देखने लगा। उनमें से एक बिल्ली की आंखों में हारिस को देखते हुए अजीब सी चमक थी कि वो झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बहुत बोला था मैंने कि दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, पर नहीं माने, सईदा आंटी बोली। आपसे मोहब्बत करते होंगे ना। ऐसी वैसी, सईदा आंटी पोपले मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी। लैला मजनू की मोहब्बत मशहूर थी हमारी, वो बताने लगी। आंटी ये इलाका इतना सुनसान क्यों है। ये इलाका शुरू से ही सुनसान है, यहां आबादी ज्यादा है ही नहीं, उसकी बात के जवाब में वो बोली तो वो चुप हो गया। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली तो नीचे से आती बातों की आवाज पर वो हैरान हुआ कि नीचे कौन है। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा तो आंगन में शादी का माहौल था। पूरा आंगन रोशनियों से जगमगा रहा था, औरतें तड़क भड़क वाले कपड़े पहने नजर आ रही थीं, मर्द भी नए कपड़े पहने हुए थे। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बनी बैठी नजर आई और उसके आसपास लड़कियां तैयार हुई बैठी थीं। खाने की बेहद अच्छी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, एक तरफ खाने की देगे रखी हुई थी। वो परेशानी से ये सब देख रहा था। हारिस बेटा आ जा, नीचे खड़े शोएब अंकल की नजर उस पर पड़ी तो आवाज देकर उसे बुलाने लगे। वो नीचे आ गया। बेटा ये हमारी पड़ोस की बच्ची है, उसकी शादी है, तुम्हारी आंटी ने बोला था रुखसती हमारे घर से होगी, बचपन से ये बच्ची हमारे घर आती जाती है तो मोहब्बत हो गई। अंकल की बात पर वो आंटी की तरफ देखने लगा जो हर काम में आगे आगे थी। खाना लगा तो वो भी बैठ गया, इतना टेस्टी खाना था कि वो खाए चला जा रहा था। खाने के बाद भी महफिल जमी हुई थी, उसे अब नींद आने लगी थी, दूसरे दिन ऑफिस भी था। वो सोने के लिए ऊपर आ गया, उसे लगा उसके पीछे पीछे कोई आया है। उसने 2-3 बार चौंक कर अपने आसपास भी देखा मगर कोई नहीं था। गुलाब की तेज खुशबू उसके नाक से टकराई तो वो जो बिस्तर पर लेटा था घबरा कर उठ बैठा। किसी के हंसने की आवाज उसके कानों से टकराई। कौन है, उसने डरते डरते पूछा। वो डरा सहमा सा अपने चारों तरफ देखने लगा मगर कोई नहीं था। पूरी रात उसे लगा जैसे कोई हाथ उसका सर सहलाता रहा। सुबह के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी सारा दिन वो बड़ी मेहनत से काम करता रहा, नींद पूरी ना होने की वजह से उसे कोई काम नहीं हो रहा था। शाम वापसी में घर की तरफ आते हुए साइमा नजर आ गई। उसे देखते ही उसकी दिन भर की थकन दूर हो गई थी। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर उससे बातें करने लगा। पता है कल मेरे मालिक मकान के घर में पड़ोस की लड़की की शादी थी, दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी ऐसे ही दुल्हन बनी बैठी होगी, हारिस बोला। काश, साइमा धीरे से बोली। क्या मतलब, वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो, मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसे बैठी रहूं, साइमा बोली। ऐसा जरूर होगा साइमा, हारिस बोला। मैं परसों गांव जा रहा हूं और जाते ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे, साइमा खुश होते हुए उससे पूछने लगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। घर आकर वो तैयारी में लग गया, बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था।
वो भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा था। कैसा लगेगा, सायमा मेरे साथ गांव जाएगी, पूरे गांव में सायमा जैसा हसीन कोई नहीं होगा। और सच में सायमा बेहद खूबसूरत थी, ऐसा हुस्न हारिस ने नहीं देखा था। आज रात भी सायमा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पार्क से वापसी में कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते हुए उसका पैर किसी पत्थर से अटका था और वो धड़ाम से किसी कब्र पर जाकर गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाई। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी थी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था नाम शोएब खान। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसी कब्र के बराबर वाली कब्र की तख्ती पर सईदा शोएब लिखा था। हारिस को लग रहा था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगा। क्या हो गया, गोर्गन की आवाज पर वो उछल गया। वो ये वो, कब्र को देखते हुए टूटे फूटे लफ्ज उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ, ये दोनों मियां बीवी थे, वो सामने वाले घर में रहते थे। वो गोर्कन उस घर की तरफ इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले आधी रात में इनके घर डाकू घुस आए थे। डाकू ने दोनों मियां बीवी को कत्ल कर दिया था। बेटा ध्यान रखो, हालात ठीक नहीं। हारिस को अचानक उनके जुमले याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो, गोर्कन उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर बोला। नहीं कुछ नहीं, वो थूक निकलता हुआ बोला और तेजी से घर की तरफ दौड़ा। मुझे अभी यहां से निकलना होगा, वो डर से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ। वो तेजी से ऊपर चला आया और सामान समेटने लगा कि कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो उछल सा गया। खिड़की से देखा तो सीढ़ी पर सायमा खड़ी हुई थी। तुम यहां कैसे, वो अपनी पसीने से भरी पेशानी साफ करते हुए बोला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात पर वो सर हिलाता जल्दी जल्दी चीजें उठाने लगा कि उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। तुमको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूं, वो पास खड़ी सायमा से पूछने लगा। सायमा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इस तरह अपने कबीले को छोड़कर नहीं जा सकती, पीछे से सहरिश बोल रही थी। वो हैरान परेशान सा सब देख रहा था। हारिस साहब, सायमा ने आपको सच्चाई बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। सायमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी कि उनका नाता जिनों के कबीले से है और आंगन में लगे नीम के पेड़ पर हम जमाने से अपने खानदान के साथ रहते चले आ रहे हैं। वो जो बिल्लियों के रूप में आपने देखा था वो हम ही थे। पहले ही दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तभी आप सायमा को अच्छे लगने लगे थे। मैंने इसे बहुत रोका कि अगर ये आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े इसको तो मार ही देंगे, साथ आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब ब्याह कर आई थी यहाँ, उनको तभी हमारे यहाँ होने का पता चल गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, हम ही उनकी बेटियों की तरह हैं, पर वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडहर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं। उस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे कबीले की लड़की की थी। हारिस को लग रहा था किसी भी वक्त उसका दिल बंद हो जाएगा। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम तो हमारे बेटे की तरह हो, शोएब अंकल सीढ़ी चढ़कर उसकी तरफ आने लगे। डर कर उसने दरवाजा बंद कर दिया। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहां जिनों और भूतों में फंस गया हूं, वो फूट फूट कर रोते हुए अपने लिए मदद मांगने लगा। पूरी रात कुछ कुछ देर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा आंटी की सिसकती हुई आवाज, उसको जाने नहीं देना, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा कोई बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है, कि आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह बरस रही थी। और साथ ही में किसी औरत की पैन करती हुई आवाज जो कि सायमा की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। वो दोनों हाथ कानों पर रखे
दरवाजे पे पीठ लगाए बैठा रहा। सुबह के वक्त आवाजों का सिलसिला रुक गया। उसने दरवाजा खोलकर नीचे झांका, जहां अब खामोशी थी। वो बैग उठाए अंधाधुंध सीढ़ियां उतरता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। वो पूरी तरह से बस भाग रहा था, और बाहर रोड की तरफ आकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बचकर आ गया है। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो 6 महीने तक भूतों और जिनों के बीच रहा था। आज इस बात को 10 साल बीत गए, और पिछले 8 साल से वो यहां शहर में अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ इस इलाके से गुजरा, तो इत्तफाक से उस घर के पास से उसका गुजर हुआ। घर के पास से गुजरते हुए उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आज भी वो घर ऐसा ही वीरान पड़ा था। हारिस की नजर अचानक उस कमरे की खिड़की की तरफ उठी, जहां उसने 6 महीने गुजारे थे, मगर वहां के मंजर ने उसे दहशत में डाल दिया था। साइमा खिड़की में खड़ी मुस्कुराते हुए उसको हाथ हिला रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।